देशभर के अनेक हिस्सों में बोरवेल से जुड़ी घटनाएं कई बार सामने आ चुकी है। ये मामला कोर्ट भी पहुंचा है। नगर निगम या फिर स्थानीय निकाय ऐसे मामले के सामने आने के बाद अक्सर भविष्य में सावधानी बरतने और बोरवेल को और सुरक्षित बनाने के दावे करते हैं। इन तमाम तरह के दावों के बीच एक बार फिर से बोरवेल में एक मासूम बच्चे के गिरने की घटना सामने आई है। 24 महीने के मासूम को बचाने के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक के विजयपुरा जिले के इंदी तालुका के लाचियान गांव में बुधवार शाम 2 साल का एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई है। पुलिस ने बताया कि बच्चा 16 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया और उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि बच्चा उस समय बोरवेल में गिरा जब वो घर के बाहर खेल रहा था। पुलिस ने आगे बताया कि बच्चा अपने घर के पास खेलने के दौरान बोरवेल में गिर गया। इस बात की जानकारी तब मिली जब किसी ने उसकी रोने की आवाज सुनी और तुरंत परिवार को सूचित किया। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि शाम करीब 6:30 बजे बच्चे को बचाने के लिए अभियान शुरू किया गया। पुलिस, राजस्व अधिकारी, तालुक पंचायत के सदस्य और अग्निशमन और आपातकालीन सेवा विभाग के अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद हैं। बच्चे को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल बच्चे की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन बोरवेल के अंदर कुछ हलचल देखी गई है। उन्होंने कहा कि हमने उसे ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पाइप गिराए हैं ताकि मासूम को गहरे बोरवेल में ऑक्सीजन मिलता रहे। वहीं दूसरी तरफ बच्चे के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। सभी लोग बस यही दुआ कर रहे हैं कि बच्चा सुरक्षित बाहर आ जाए।